तो केरल में 16 अप्रैल को आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के आरोप में पीएफआई नेता अबू बक्र को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अबू बक्र से पहले पीएफआई के ही सदस्य सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके पास से आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की हिटलिस्ट मिली थी। सिराजुद्दीन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 15 अप्रैल को पीएफआई नेता सुबैर की हत्या के ही दिन बदला लेने का प्लान बनाया गया था, जिसके बाद अगले ही दिन श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई। वहीं ये पहला मामला नहीं है जिसमें पीएफआई का नाम सामने आया हो। इससे पहले भी कई राजनीतिक हत्याओं, हिंसा और दंगों में पीएफआई की भूमिका सामने आती रही है। हाल ही में बिहार के फुलवारी शरीफ में एनआईए की रेड में पीएफआई के ठिकानों से कई दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का बड़ा खुलासा भी हुआ था। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की हिंसा और हत्या पीएफआई के एजेंडे का ही हिस्सा है? क्या पीएफआई हिंदू नेताओं को टारगेट कर रही है? देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली पीएफआई पर लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। कई राज्यों में पीएफआई पर बैन लगाने की मांग लगातार हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद पीएफआई पर पाबंदी क्यों नहीं लग पा रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो ये आरोपी अबू बक्र सिद्दीक, जिसकी गिरफ्तारी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अथर हुसैन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अभी जुड़ेंगे, असगर खान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो। साथ ही हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान जुड़े हैं। बात सबसे पहले शुरुआत करते हैं असगर खान साहब से। असगर खान साहब, जिस तरीके से एक के बाद एक पीएफआई की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, अगर हम दिल्ली दंगों से शुरुआत करें, शाहीन बाग आंदोलन की फंडिंग की बात करें, केरल में जिस तरीके से राजनीतिक हत्याओं की साजिश रची गई, या एनआईए ने जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, ऐसे में पीएफआई की पाबंदी क्यों नहीं हो रही? असगर खान साहब, बड़ा सवाल हर तरफ से यही उठ रहा है कि पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जा सकता। और सुनीत चोपड़ा, सीपीआई के नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चोपड़ा साहब, बड़ा सवाल यही कि पीएफआई की पाबंदी कब होगी? पहली चीज जो हमको समझनी है कि जो भी कोई हत्या या फाइनल सॉल्यूशन की राजनीति रखते हैं, जैसे कि गोडसे ने की थी, तो मेरा ये कहना है किसी की जान लेना सबसे बुरी बात है, लेकिन आप सिर्फ बैन लगा के उसको नहीं रोक सकते हैं। जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करके, जैसे ये हुआ है, और उनके ऊपर केस करना बेहतर है, क्योंकि बैन ऐसी चीज होती है, ये हथियारों और दूसरे लोग जो बेगुनाह भी होते हैं, दोनों पे हमला होता है। बैनिंग इज नो एक्सक्यूज। हम आरएसएस को बैन नहीं करते हैं। जब गोडसे ने गांधी जी को मारा था तो आरएसएस को बैन नहीं किया था। चोपड़ा साहब, लेकिन जिस तरीके से पीएफआई के तार लगातार ऐसी गतिविधियों से, ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हो या राजनीतिक हत्याओं की साजिश हो, या फिर जो टेरर मॉड्यूल जिस तरीके से बिहार में हमने देखा, एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आया, इस तरीके की गतिविधियां जब कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है तो सबसे पहले बैन की ही मांग उठती है। ऐसी चीज, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र हो चाहे हिंदू राष्ट्र हो, भारतवर्ष एक सेक्युलर राष्ट्र है और हम इंडिया की सेक्युलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं और इसको मजबूत कर रहे हैं, तो सेक्युलरिज्म जनता के हित में है, और ये जो अत्याचारी नीतियां हैं ये हमारे लोगों के खिलाफ हैं। हमारा ये कहना है बैनिंग से कभी कुछ नहीं हुआ। चोपड़ा साहब, यहाँ पर आपको रोकूंगी, हमारे साथ संगीत रागी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संगीत रागी साहब, चोपड़ा साहब यहाँ कहते हैं कि बैन करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हल नहीं निकाला जा सकता, आपका इस पर क्या कहना है?
देखिए, पहली बात तो ये, तो चोपड़ा साहब ने जो ये कहा कि आरएसएस पर बैन नहीं किया गया था गांधी जी की हत्या के बाद, वो ये गलत कह रहे हैं। आरएसएस पर कई बार बैन किया गया है और राजनीतिक दुर्भावना से बैन किया गया है, उससे आरएसएस और ताकतवर होकर के निकली है। एक दूसरी बात, मैं उनकी बातों से इस बात से सहमत हूं कि पीएफआई को बैन कर देंगे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप पीएफआई को बैन करेंगे, आप ध्यान रखिए कि पीएफआई संगठन जो है वो सिमी का नया अवतार है। आपने सिमी को बैन किया था, पीएफआई आ गई, पीएफआई को बैन करेंगे कोई नया अवतार आ जाएगा। जब तक आप रेडिकलाइजेशन जो मदरसों में होता है, जब तक वो टीचिंग आप काफिर, जिहाद, भारत को गजवाए हिंद, दारुल हरफ से दारुल इस्लाम में, जब तक इस प्रकार की संकल्पनाओं को जो मदरसों में पढ़ाई जाती है, आक्रामक जिहाद की, दूसरे धर्म जो हैं वो काफिर हैं, हमको दुनिया पर शासन करने के लिए हमें इस्लाम में हम आए हैं, तो ये मानसिकता जब तक गांधी पढ़ाई साहब, आपको यहां जाएगी रोकूंगी। तब तक आप इस आपका इस मुद्दे को प्रकार दूसरे का डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता है, वीएचपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी साहब, जब हम पीएफआई की बात करते हैं और एक के बाद एक जब ऐसी घटनाएं होती हैं, राजनीतिक हत्याओं के मामले में पीएफआई का नाम सामने आता है, तो पीएफआई की पाबंदी का ही सवाल सबसे पहले उठता है। देखो, जाके पीएफआई कुछ वर्षों में पीएफआई एक आतंकी संगठन के रूप में भारत में उभरा है। देश में बहुत सारे जो दंगे हुए, बहुत सारी हत्याएं हुई, और कहीं न कहीं पैसा फंडिंग कर हत्याएं करो से लेकर के बम चलवाने तक, ये सब घटनाओं में पीएफआई का नाम कहीं न कहीं पीएफआई तो करके उनके जो इस प्रकार के स्लीपर सेल हैं उन पर कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो। कई बार कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे चोपड़ा साहब जुड़े हुए हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी रशिया से लेकर के, चाइना से लेकर के, भारत में जहां जहां भी हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं करके ये सत्ता में बने रहे हैं, और यही हाल इनका कहीं ना कहीं केरल में कर रहे हैं। और केरल में इनकी नाक के नीचे पीएफआई जैसे संगठन पनप रहे और उनको खाद पानी देने का काम वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई करके पीएफआई को तो ये जो प्रतिबंधित कड़ी किया कार्रवाई जाए की बात हो और रही है, पीएफआई ये के जो कड़ी स्लीपर सेल को, कार्रवाई की ही बात हो रही है तिवारी साहब, पीएफआई के इसी कड़ी स्लीपर सेल कार्रवाई को पीएफआई की पाबंदी के तौर पर देखा जा सकता है। पीएफआई के फुटप्रिंट्स अलग अलग जगहों पर देखने मैं को वही मिलते कहता हैं। हूँ, क्योंकि हम जब दिल्ली दंगों की बात करते हैं, पीएफआई का नाम सामने आता है। बिहार में फुलवारी शरीफ का जब मामला आया, पीएफआई का नाम सामने आया। केरल में तो लगातार जिस तरीके से राजनीतिक हत्याओं की साजिश का जो सिलसिला चला है, साजिश यहां पर बेनकाब हुई है, अक्सर पीएफआई का नाम सामने आया है। ऐसे में जो शुरुआती सबसे बड़ा एक्शन हो सकता है वो पाबंदी ही है। देखो, एक बार संगीत सोमजी ने कहा कि आतंक खड़ा कहां से हो रहा है। ये पीएफआई में लोग जो भर्ती किए गए हैं और वहां जो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं, देश भर में दंगा फसाद, आतंकी घटनाएं और टेरर फंडिंग, और यहां तक तिवारी कि साहब, आपको बहुत रोकूंगी। सारे हमारे ऐसे साथ काम कर असगर रहे खान साहब हैं। भी जुड़ गए हैं। असगर खान साहब, सवाल सबसे बुनियादी यही है कि पीएफआई की पाबंदी कब? आप इस सवाल को आप आगे कैसे ले जाते हैं? आपकी नजर में पीएफआई की पाबंदी होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर ये तमाम चीज़ें इससे ताल्लुक रखती हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं पीएफआई की बात नहीं करूँ, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिन पर अब तक प्रतिबंध लगाया गया है या नहीं है, ये एक तफ्तीश का मसला है। हमारी इंटेलिजेंस को चाहिए कि उस पर तमाम गौर करे और इन्वेस्टिगेशन करे। अगर कोई चीज़ ऐसे सबूत सामने आते हैं जो वाकई टेररिज्म से जुड़े हैं, तो जाहिर बात है पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है तो खमा खमे तोहमत लगाने वाली बात नहीं होनी चाहिए।